हाल ही में भारत के लिए अच्छी खबर ये आई है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक्सपोर्ट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो भी हम दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है। और आप समझिए 2022 में वो लगभग 400 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया ने इस टारगेट को अचीव किया है। तो आप समझिए यहाँ पास मोदी जी ने ट्वीट भी किया है कि हम लोगों के लिए क्या है, माइल स्टोन है जो हमने अचीव कर लिया है। और ये जो हमने अचीव किया ये हम लोगों के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब आप समझते होंगे सेल्फ रिलायंस होना, कि कोई भी कंट्री ज़्यादातर मामले में एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए। तो यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इंडियन में के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। तो यहाँ पास देखिए क्या हैशटैग बढ़िया किया गया है, लोकल गो ग्लोबल, मतलब जो इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं अब उनकी वर्ल्ड वाइड या फिर ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक और ट्वीट किया है इधर पास आप देखिए पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने क्या किया कि जो हमने टारगेट अचीव किया है वो बहुत एडवर्स कंडीशंस के बाद भी हम लोगों ने अचीव किया है, चाहे वो कोविड-19 क्राइसिस रहा हो या फिर अभी जो रशिया यूक्रेन का संकट है वो रहा हो। तो आप समझिए इन एडवर्स कंडीशन में भी इंडिया ने इस टारगेट को अचीव किया है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और इसी एक्सपोर्ट के लिए हम कुछ विगत वर्षों में यदि हम देखें तो आप देखें 2017 से लेकर ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी तक का जो मैक्सिमम था वो था 2018-19 का, वो था 331 बिलियन डॉलर, और इस बार हाईएस्ट हो गया है 400 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं 2020-21 में था ये 292 बिलियन डॉलर, और 37% की ग्रोथ रेट के साथ अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है 400 बिलियन डॉलर। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी ग्रोथ को यदि हम दूसरे टर्म में समझें तो आप यहाँ पास और आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब इंडिया ने पर मंथ 33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, यदि हम उसको पर डे में देखें तो 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, और यदि हम पर आवर में बात करें तो 46 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट लगातार किया है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया की GDP या फिर जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ना जितना ज़्यादा चाहिए था उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आप यहाँ पास देखें तो कंटिन्यू GDP भी घटी है, और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट शुरुआत में बढ़ा था और बाद में एक्सपोर्ट भी घटा है। घटने के बावजूद भी हमने 400 बिलियन डॉलर को अचीव कर लिया है। अब मान लीजिए ये बढ़ता होता तो हम 400 बिलियन डॉलर की जगह 700 या 800 बिलियन डॉलर भी अचीव कर लिए होते। तो ये घटा क्यों है, तो इसका सिंपल रीजन है कोविड-19, कोरोना के कारण क्या हुआ है, ना केवल इंडिया की बल्कि बाकी देशों की भी इकोनॉमी एक तरह से तबाह हो गई है। अब हम समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट हम लोगों को बढ़ रहा है, 400 बिलियन डॉलर हमने अचीव किया है, तो क्यों आखिरकार एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि उस देश में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं, उनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है, और जब ऐसा होता है तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ फॉर एनी इकोनॉमी, इसके अलावा आप समझिए कंट्री की GDP भी बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है कंट्री का, कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पास प्रोडक्ट किया, और उसकी हम एनुअल प्राइस देखें फाइनल गुड्स की तो वो भी कंटिन्यू बढ़ती है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट बढ़ता है, एक्सचेंज रेट मतलब समझिए जैसे US डॉलर है और इंडियन रुपीज़ है, तो यदि हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है यदि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू इम्पोर्ट। इसके अलावा आप देखिए लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है वो कम होगी जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट बहुत कम करेंगे तो किसी भी कंट्री में महंगाई का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, जो भी ब्याज दर है, तो यदि हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो भी वर्ल्ड बैंक होगा या फिर IMF है जो हमें लोन देते हैं वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में हमको दे देंगे, क्योंकि उनको एक विश्वास रहता है कि हाँ हम यदि इस कंट्री को देंगे तो वो आसानी से रीपे कर देगी। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो है वो क्या होता है, कंट्री कैन ब्रिंग इटसेल्फ आउट ऑफ रिसेशन फेस। मान लीजिए किसी तरीके से मंदी आ जाएगी, आपदा आ जाएगी उस कंट्री में, लेकिन उस कंट्री का एक्सपोर्ट अच्छा है तो वो इस क्राइसिस को आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो ये भी अच्छा फैक्टर माना जाता है एक्सपोर्ट। इसके अलावा फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बनता है, यदि किसी भी कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है इधर पर फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं
उनको बढ़ावा मिलता है, और ऐसा होने से यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलता है, ना कि दूसरे देशों को लोगों को। और इससे इंडिया जो है कंपीट भी कर सकता है जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और इंडिया के एक तरह से जो ग्लोबल ब्रांड है वो बन जाती है। तो आप इधर से समझ सकते हैं कि क्यों किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है।